इमरान खान की पार्टी की सत्ता से विदाई तय। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार की सत्ता से विदाई लगभग तय है। इमरान खान की गठबंधन सरकार के दो और दलों ने समर्थन वापस ले लिया है। 7 सांसदों वाले दल MQMP और 5 सांसदों वाले दल BAP समर्थन वापस ले लिया है। अब PTI गठबंधन घटकर 167 पर सिमट गया है। वहीं विपक्ष के पास 180 सांसद हैं। बहुमत के लिए 172 सदस्य चाहिए। विपक्ष ने दिखाई एकजुटता। स्थानीय मीडिया ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व में संयुक्त विपक्ष ने एक दिन पहले 196 सांसदों को एकजुट किया था। पूर्व क्रिकेटर को प्रधानमंत्री की गद्दी से बाहर करने के लिए आवश्यक 172 से कहीं अधिक था। इतना ही नहीं, खान की अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों के भी उनके खिलाफ मतदान करने की उम्मीद है। कैसा रहा इमरान खान का सियासी सफर? आपको बता दें कि इमरान खान 2018 में सत्ता में आए थे। उन्होंने पाकिस्तान को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का वादा किया था। हालांकि उन्होंने देश के कुछ दागी नेताओं के साथ समझौता किया। एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने इस्लाम के अधिक रूढ़िवादी ब्रांड को अपनाया है। उन्होंने मौलाना तारिक जमील समेत कट्टरपंथी मौलवियों के साथ भी संगति रखी है, जिन्होंने कभी कहा था कि शॉर्ट स्कर्ट में महिलाओं ने COVID-19 महामारी का कारण बना है। हर मोर्चे पर फेल होती गई सरकार। सेना के इशारे पर चलने वाले PMLQ और BAP के समर्थन वापस लेने से स्पष्ट है कि इमरान को सेना से टकराव भारी पड़ा है। पंजाब में इमरान ने मुख्यमंत्री हटाकर PMLQ के परवेज इलाही को CM नॉमिनेट किया है। इससे वहां गठबंधन में दरार पड़ गई है। नतीजन पंजाब में भी इमरान खान की पार्टी की सरकार नहीं बच पाएगी। क्या अपनी हरकतों से मुश्किल में फंस जाएंगे इमरान? लाहौर में रहने वाले एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि एक सवाल ये है कि अगर इमरान सरकार बच गई तो क्या वो जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन देंगे या फिर अपने करीबी जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो नया विवाद खड़ा हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खुद अपने कामों की वजह से मुश्किल में फंसे हैं। बढ़ती महंगाई, कर्ज और धांधली ने बिखरे विपक्ष को एक कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हुआ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से एक ब्लॉक बनाया। देश भर में सरकार विरोधी रैलियां की, इससे जनता का असंतोष भड़का। अब इमरान खान की लोकप्रियता हो गई कम। पिछले महीने हुए गैप के एक सर्वे में कहा गया था कि 2018 में इमरान की लोकप्रियता 40% थी, अब ये 36% है। वहीं नवाज शरीफ उनसे कहीं आगे 55% पर खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोकल इलेक्शन में उनकी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। मुल्क आर्थिक तौर पर तबाही के रास्ते पर, IMF ने 6 अरब डॉलर का कर्ज मांगा, 1 अरब डॉलर मिल भी गए हैं। अगर सरकार बचती है तो अगले चुनाव अगस्त 2023 में होंगे। पिछले साल ISI चीफ की नियुक्ति से हुआ विवाद। सेना के आंतरिक मामलों में दखल देना इमरान की सबसे बड़ी भूल रही। पिछले साल ISI चीफ की नियुक्ति से विवाद शुरू हुआ। इमरान तत्कालीन चीफ फैज हमीद को वक्त देना चाहते थे, लेकिन उनको झुकना पड़ा और सेना की पसंद चली। सेना को कंट्रोल करना चाहते थे इमरान खान। इमरान ISI को सैन्य टुकड़ी का दर्जा देना चाहते थे। खुद को घिरता देखकर इमरान ने सेना पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सेना के तटस्थ रहने के बयान पर कहा कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। उन्होंने भारतीय सेना की भी तारीफ की। चीन सऊदी सबसे रिश्ते बिगड़े। कूटनीतिक रूप से इमरान नाकाम रहे। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब से रिश्ते बिगड़ गए। सेना द्वारा भारत से कामकाजी रिश्ते बनाने की कोशिश पर पानी फिरा। ऐसे समय रूस गए जब यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हो गया। इससे दुनिया में पाक की किरकिरी हुई। एक बार फिर चर्चा में आई इमरान खान की तीसरी पत्नी। इसी बीच इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी एक बार फिर चर्चा में हैं। विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा इमरान खान की कुर्सी को बचाने के लिए काला जादू भी कर रही हैं। यहां तक कि वो इमरान खान के घर पर जिंदा मुर्गा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।